आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर रामपुर खास विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पेगासस जासूसी मामले पर पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा जाए। आगे प्रमोद तिवारी ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बड़े खुलासे के बाद देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के इस कलंक की जिम्मेदारी पीएम मोदी लें। प्रतापगढ़ से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब पेगासस जासूसी मामले पर राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां पर पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा गया है। वहीं मैनपुरी के किशनी विधानसभा से प्रत्याशी दीप चंद ने टिकट न मिलने पर कांग्रेस जिला कार्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दीप चंद ने कांग्रेस पार्टी के संगठन और पार्टी हाईकमान पर पैसा देकर टिकट बांटने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में कांग्रेस जिला कार्यालय पर दीप चंद ने ताला लगाकर किसी को अंदर नहीं घुसने दिया और आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। ये भी हमारा कार्यकर्ता है, किसमी से और भी 10 लोगों ने टिकट मांगा था। पार्टी हाईकमान का जो निर्णय होता है, पार्टी हाईकमान ने जिसको भी टिकट दिया, ये हमारा कार्यकर्ता है, उसकी भी नाराजगी हो सकती है, तो ये अभी हो जाएगा। आत्मदाह की बात कह रहे हैं, आत्मदाह की बात कह रहे हैं, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? आत्मदाह की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आत्मदाह की बात कर रहे हैं, गैस खोल रखी है गाड़ी की, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो अभी ऐसा है, तो हमारे जिला अध्यक्ष के साथ हम पुलिस प्रशासन को बुला के उनका आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पैसे से टिकट दिए गई हैं यहाँ पे। आरोप कोई भी आदमी किसी के भी ऊपर लगा सकता हूँ। मैं आया हूँ 10 दिन पहले यहाँ पर, मैं संगठन का आदमी हूँ, टिकट देना मेरा कोई काम नहीं है, मुझे संगठन देखना है। पार्टी जिसको भी टिकट दे, यहाँ जहाँ संगठन कमजोर है उसको हम। वहीं कानपुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां शहर के टाटमील पर एक अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को रौंदते हुए ट्रैफिक बूथ व कंटेनर में जा घुसी। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वहीं इस घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुट गई। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर बड़ापुर सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हाजी एहसान अंसारी को लोगों का समर्थन मिलने से अन्य विरोधी दलों में खलबली मची हुई है। जबकि आपको बता दें कि एहसान अंसारी के क्षेत्रीय उम्मीदवार होने की वजह से उनको भारी तादाद में आम जनता का समर्थन भी मिल रहा है। वह इस दौरान एहसान अंसारी ने कहा कि सालों से क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि बड़ापुर में जो भी विकास हुआ है सब कांग्रेस सांसद अजरुद्दीन के रहते ही हुआ है, इसके बाद अब तक कोई भी विकास कार्य यहां पर नहीं किया गया। बिजनौर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी को जनता का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बड़पुर सीट से उम्मीदवार हैं हाजी एहसान अंसारी, जिन्हें इस वक्त स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने एहसान अंसारी ने कहा कि सालों से क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ है, इसके अलावा बड़पुर में जो भी विकास कार्य हुए हैं सब कुछ कांग्रेस सांसद अजहरुद्दीन के रहते हुए ही हुए हैं, इसके अलावा कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में नहीं किया गया है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर भारतीय किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू ने महोली में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि समाजवादी पार्टी सभी तबके के लोगों के लिए सोचती है। आगे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से किसानों की उनकी फसलों का समर्थन मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है, जबकि इस सरकार में नौजवानों को रोजगार भी नहीं मिला है। जिसमें जन लोकप्रिय नेता अनुप गुप्ता जी, उनका पाला तो भारी है ही है। अगर भाजपा अभी तक कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही है कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, कि मौजूदा विधायक को दिया जाए, किसको टिकट दिया जाए था, ये तो इनको सोचना चाहिए, जिसको भी लड़ना उसको देना चाहिए था। लेकिन अनुप गुप्ता जी का पल्ला भारी है,
वो गांव गांव घर घर गए हैं और उनके काम से लोग खुश हैं। वो कभी जाति धर्म की बात नहीं करते, वो सबको साथ लेके चलते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो। जी धन्यवाद सरदार भिंदर सिंह, आप किसान यूनियन के नेता हैं, किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं और हम आपके बधाई देते हैं कि आप जो है किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, आप सब चैनल वाले भाइयों का, YouTube चैनल वाले भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले भाइयों का, पेपर वालों का, अखबार वालों का, जिन्होंने हर छोटी बड़ी किसानों की खबर प्रमुखता से दिखाई है, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। वहीं अपने दो दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गौरीगंज विधानसभा के प्रत्याशी नफीस चौधरी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया है। वहीं राजा भैया ने कई गांवों के लोगों से संवाद करते हुए अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम सभी लोग अवगत हैं और जनसत्ता दल पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा से प्रत्याशी चौधरी नफीस अहमद जी के समर्थन में हम सभी लोग यहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जितना सोच के आए थे उससे अधिक उत्साह और समर्थन जनता जनार्दन का हम सभी लोगों को मिल रहा है। हम सभी लोग आशान्वित हैं और ये भरोसा हो चला है कि चौधरी नफीस अहमद को गौरीगंज के क्षेत्र की जनता अपनी विधानसभा का सेवा करने का अवसर प्रदान करे। जहां पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामले में प्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर सपा प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच नारेबाजी और झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें कोरोना नियमों के साथ साथ आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसकी खबर चलने के बाद पुलिस ने सपा प्रत्याशी के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब इस मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये पूरा मामला फरुखाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल बीते दिनों सपा प्रत्याशी और कह सकते दो प्रत्याशियों के बीच में कल झड़प देखने को मिली थी, उनके समर्थकों के बीच में झड़प देखने को मिली थी, तेज नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच ये पूरी झड़प हुई थी, जिसके बाद प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इस खबर पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव तथा निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव के समर्थकों के मध्य एक दूसरे पक्ष के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन कर नारेबाजी की गई। उपरोक्त संबंध में थाना हाजा में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं रायबरेली के जहरीली शराब कांड मामले में राहत भरी खबर सामने आई है, जहां शराब पीने से बीमार हुए 35 लोगों को इस वक्त डिस्चार्ज किया जा चुका है। शराब पीने से अब तक कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 39 लोग जिला अस्पताल में भर्ती किए गए थे। उसके बाद अब जिला अस्पताल में भर्ती 39 में से 35 को स्वस्थ होकर डिस्चार्ज इस वक्त कर दिया गया है। इस दौरान डिस्चार्ज किए जाने से पहले इन मरीजों को भविष्य में कभी शराब न पीने की शपथ भी दिलाई गई। सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने इन मरीजों को जिला अस्पताल के वार्ड में शपथ दिलाते हुए इनसे कहलवाया कि ना तो कभी खुद शराब पियेंगे और ना ही किसी परिचित को पीने देंगे। वहीं अलीगढ़ थाने के दिल्ली गेट क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर पड़ोस में रहने वाले युवक ने पड़ोसी को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे युवक घायल हो गया, जिसके बाद दबंगों ने युवक को इस मामले की शिकायत करने पर जान से मारने की भी धमकी दे डाली, जिसकी शिकायत पीड़ित परिजनों ने थाने में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस इस मामले की कार्यवाही में जुट गई है। हम बैठे गए जाके ठंड लग रही तो धूप हम बैठे गए जाके जान बांध कही के देखो ओ बाकी हमें ना पता कही के ना कही बांध डंडा मारे, पहले तो लाते मारेंगे लाते
क्या नाम है तुम्हारे लड़का जिसमें मार लगाई? उपेंद्र। अच्छा अच्छा, उपेंद्र है। किससे मार लगाई? डंडा से मार हुआ, डंडा से लोहे के से, लोहे के डंडे। किसने मारा? गौरव ने मारो है, सुरेश के लड़का ने, और सुरेश मौके पे दिखा तुरंत। खबर मैनपुरी से है, जहां पर थाना भोगांव के रसूलाबाद के घर में बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण समेत नकदी पर हाथ साफ करके मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस मामले पर इंस्पेक्टर का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा था, कल बारात गई थी मोहल्ले से, सब हमारे तीनों बच्चे बारात में गए हुए थे, ऐसी 10 बजे बारात लौटे, हम तो सो गए थे मोहल्ले घर में। ऐसी 1-1.5 बजे के टाइम में घर में चोर घुस गए, सारा जो कुछ था सामान सट्टा पैसा कौड़ी सारा ले गए चीज पर। कितने बजे घटना हुई लगभग? ऐसी 2 बजे की बात है। कितने लोग थे आप घर में? हम लोग 5 लोग हैं। 5 लोग सो रहे थे? 5 हो, दोनों तरफ की कुंडियां लगा दी। हाँ, कुंडियाँ लगा दी। किसी ने कुछ नहीं, ताला तोड़ा उन्होंने आराम से और अंदर जाके तिजोरी तोड़ी, सब निकाल लिया। क्या सामान चला गया? सोने चांदी की चीज थी, लड़के की चैन थी, हमारी अंगूठी थी, झुमकी थी, हार था और टीका था और तोड़ियाँ ओड़ियाँ थी। अगली खबर मथुरा से है, जहां पर आबकारी विभाग व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने नकली शराब समेत शराब बनाने का सामान बरामद किया। जनपद मथुरा एवं जनपद हाथरस की संयुक्त टीम द्वारा एक शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इस संबंध में एक व्यक्ति सौरभ अग्रवाल की करीब 315 टेट्रापैक्स के साथ गिरफ्तारी जनपद हाथरस में हाथरस पुलिस द्वारा की गई। उसके बाद जॉइंट टीम द्वारा जनपद मथुरा के थाना कोतवाली अंतर्गत 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उपरोक्त तीनों अभियुक्त के कब्जे से शराब बनाने के अनेक उपकरण काफी बड़ी मात्रा में दोनों ही जनपद की ज्वाइंट टीम द्वारा रिकवरी की गई और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद मथुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनके और भी जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उनकी जानकारी करके अग्रिम विधि। और इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।